हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल का मेरा ब्लॉग अधूरा रह गया था। उसमें मैं आपको कोई भी जो रेसिपी मैंने बनाई थी वो मैं आपको पूरी नहीं दिखा पाई थी। इसका कारण ये था कि कल अचानक मुझे कहीं जाना पड़ गया। कुछ बात ही ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से अचानक मुझे आधा घर का काम छोड़ के जाना पड़ गया। एक्चुअली मैं मेरे रिलेटिव में एक सोच रही हूँ, समझ नहीं पा रही हूँ क्या बोलूँ और इस टॉपिक पर मैं क्या आपसे बात करूँ। मन बहुत कल ख़राब था, सर में इतना दर्द था कि ना चाहते हुए भी बात नहीं कर पा रही थी आपसे, क्योंकि इतना ज़्यादा पेन था, क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा दुख भरा था, बहुत ज़्यादा गम भरा था और सभी की आंखें नम थी। तो कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था, कोई कुछ कर नहीं पा रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक लड़की जो बहुत ब्रिलियंट थी, पढ़ने में अच्छी थी, देखने सुनने में बहुत खूबसूरत थी, सुंदर थी, और उसे अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से सब शॉक्ड हो जाते हैं, सब परेशान हो जाते हैं, सबकी आंखें नम हो जाती हैं, सबका हृदय करुणा से भर जाता है और सब बहुत शॉक्ड रहते हैं कि ये अचानक आखिर ऐसे हो क्यों गया। किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसे अचानक से हो जाएगा और अचानक से खबर हम सबको मिलेगी जिसके बारे में अभी तक बिल्कुल ठीक था, सब कुछ सही था, और ये अचानक से ऐसे कैसे हो गया। तो हुआ यूँ कि वो पढ़ती थी बाहर और पढ़ाई काफ़ी अच्छी थी, ब्रिलियंट थी पढ़ने में। तो कोरोना जब हुआ तो उस लौट के वापस आ गई। उसके बाद से उसका स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम हुई। जब स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हुई, कई डॉक्टरों को दिखाया, उसको कोई रिलीफ नहीं मिला था। फिर अचानक से उसके पेट में दर्द उठा और जब तक उसको डॉक्टर के यहाँ ले गए तब तक बहुत ज़्यादा, आप समझ सकते हैं ना, देर हो चुकी थी। तो मैं तो अपने डेली के रूटीन में लगी थी, अपने काम में लगी थी। मैं आपको अपना ब्लॉग शूट करके दिखा रही थी और मैं सब्जी को बस छोंक ही पाई थी कि अचानक से खबर आ गई। और मैं जैसी थी, मुझे तो दिमाग ही नहीं काम करना बंद किया कि अब मैं करूं क्या। मैंने तो सोच करके एकदम जैसे धक्का सा लग गया कि ये अरे अचानक से ऐसा कैसे हो गया। और मैं अगर उसकी उम्र बताऊं तो उम्र मुश्किल से अभी 18 प्लस हुई थी और सितंबर में उसका बर्थडे था और बर्थडे के एक दिन पहले ही ऐसा हो गया। और उसकी फिर बॉडी को ले गया डॉक्टर, कुछ भी नहीं बचा था उसमें, सांस भी नहीं बची थी, कोई आस नहीं बची थी। और बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए हुई, मुझे दुख इसलिए ज़्यादा हुआ क्योंकि मैं अपने ससुराल से अलग यहाँ रहती हूँ। बाकी जो हमारी फैमिली है वो, मतलब जो दूसरी जगह है, कानपुर में ही, हमारी सिटी में ही, तो वहाँ आसपास ही रहते हैं। मैंने अपना थोड़ा सा घर दूर ले लिया है, तो जाती हूँ मैं, कभी कभी जाती हूँ, तीज त्योहारों पे जाती हूँ, वैसे फंक्शन वगैरह में जाती हूँ, ऐसे नहीं जाती हूँ। तो मुझे दुख इसलिए और लगा क्योंकि मेरे बेटे से, जो मेरा बेटा है बड़ा वाला, उससे बस 12-13 दिन ही वो बड़ी थी और मेरी बेटे से पहले हुई थी, तो मैंने उसे इन हाथों से खिलाया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, मुझे तकलीफ़ ज़्यादा हुई क्योंकि जिन लोगों ने उसे नहीं खिलाया उनकी माँ को तो तकलीफ़ थी, पापा को भी तकलीफ़ थी, बट मुझे तकलीफ़ इसलिए थी कि जब उसकी माँ, जब वो हुई तो उसकी माँ मुझसे पूछ के सारा काम, दीदी कैसे करना है, दीदी ये कैसे करना है। और तो मन में बहुत ज़्यादा दुख था कि मैंने हाथों से खिलाया, आज उसको देख रही हूँ। जब मैंने उसको देखा तो मेरे मुँह से शब्द नहीं निकल रहे थे, आंसू थम नहीं रहे थे और आवाज़ जो थी वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तो इतना ज़्यादा कभी कभी आप सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। तो मुझे बड़ा ख़राब लगा कि मतलब समय कैसा भी इंसान का हो सकता है, ये आपदा कभी भी किसी के ऊपर भी आ सकती जो आप सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। अच्छा खासा हंसता खेलता वही आपको छोड़ के चला जाता है तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, और जिससे आप जुड़े होते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब लगता है। क्यों
मुझे सबसे ज़्यादा खराब लगा कि मैंने उसे अपनी गोद में खिलाया था। छोटी थी, मेरे पास रहती थी वो, करीब 3-4 साल, 3 साल के आसपास रह गई तब मैं यहाँ शिफ्ट हो गई थी। तो उसकी बचपन की यादें मेरे से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी। मेरे रूम में आती थी, मेरे से खेलती थी, ताई जी करती थी, और मुझे बहुत ज़्यादा बहुत दुख हुआ। मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दो भाइयों में अकेली थी, अपने माँ बाप की एक इकलौती बेटी थी, और ब्रिलियंट थी, बहुत सुंदर थी। पर कभी कभी कोई आपको छोड़ जाता है तो मन आपका बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए उस चीज़ को सोच सोच करके मन में बहुत ज़्यादा दुविधा थी, बहुत ज़्यादा समस्या थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत की कि ऐसा कैसे हो सकता है, अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है, कोई आपको क्यों छोड़ कर चला जाता है। और माँ बाप की हालत तो बहुत ही बुरी थी, बहुत ही बुरी थी कि जिसका बच्चा छोड़ के चला जाए उनको, वो भी एक बिल्कुल टीन एजर बच्चा जो एडल्ट की उम्र पर आ चुका था, और जिसके बहुत सारे सपने थे पढ़ने के लिखने के, बस सब अधूरे रह गए। सब यादें 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 ही रह गई, बस बस यादें ही रह गई। तो कभी कभी बहुत बुरा लगता है कोई आपको छोड़ जाता है, कोई तकलीफ आपको दे के चला जाता है। बस मैं इसके आगे क्या कहूँ आपसे, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। देखिए दिनचर्या फिर वैसे ही चलेगी, रोज की तरीके, सब उठेंगे, सब अपने काम में लगेंगे, सब फिर से पक्षी उठेंगे, सूरज निकलेगा, मतलब कुछ भी चेंज नहीं होगा। किसी के जाने से जिंदगी कभी भी चेंज नहीं होती, जो जैसा है वैसा ही रहता है। कहते हैं ना, इंसान चला जाता है बस ना उसकी यादें रह जाती हैं, फिर वही रूटीन होगा। मैं क्या, सभी के साथ होगा, अब मेरे आगे भी मजबूरी होगी क्योंकि मुझसे भी जुड़े 2-3 लोग हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, हस्बैंड है। तो ऐसा नहीं कि मैं उस टेंशन को लेके बैठी रह जाऊंगी, मैं घर के कोई काम नहीं करूंगी, मजबूरी है, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो बस बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ आज की वीडियो में, और फिर वही रूटीन का काम लग जाएगा, किचन में जाना है, खाना बनाना है, काम करना है। तो बस जिंदगी बस यूं ही चलेगी। तो आई होप मैंने आपको कुछ ज़्यादा परेशान तो नहीं किया, मैं अपनी बातों से आपको दुखी तो नहीं किया, या मैं परेशानी में थी तो आपको भी परेशान किया। कहते हैं ना कि कभी कभी आप अपना दुख अगर किसी को कह देते हो या आप सिर्फ किसी से बात कर लेते हो तो थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मुझसे किसी की भी तकलीफ या दुख नहीं देखा जाता, क्योंकि अगर मैं राह चलते भी किसी को परेशानी में होती हूँ, देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं उसकी हेल्प कर दूँ। कई बार मेरे हस्बैंड मुझे रोक देते, नहीं जाने देते, पर मेरा मन नहीं मानता। मैं कहती हूँ कल को अगर आपके ऊपर ऐसा हो तो क्या करेंगे, हेल्प हर किसी की करनी चाहिए। तो मन मेरा बहुत ज़्यादा जैसे कि एक छोटे बच्चे का होता ना वैसा है बिल्कुल, हर किसी के दुख में दुखी, हर किसी के सुख में सुखी, हर किसी की खुशियों में खुश। अगर कोई खुश होता तो मुझे खुशी होती है, कोई दुख होता तो मेरी आंखों में भी नमी आ जाती है। तो चलिए आज की वीडियो को बस यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि बातें तो कभी ख़त्म नहीं होंगी, और मैं आपको अपनी बातों से बोर नहीं करना चाहती। बस ये है कि मैंने आपसे कह दिया तो थोड़ा सा मन मेरा हल्का हो गया है, मन मेरा शांत हो गया है। तो चलिए आज अब किचन में भी चलेंगे, और आज क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे अभी कुछ डिसाइड नहीं है। तो चलिए टॉपिक चूज़ कर लेंगे, तब दिखाएंगे। अगर नहीं हो पाया तो हो सकता है, सॉरी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं आज आपके टॉपिक में आपको कुछ भी नहीं दिखा पाऊँगी। तो बस आज के लिए इतना ही, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत अच्छे रहें, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप सब स्वस्थ रहें। मैं चाहती हूँ कभी जीवन में किसी के भी दुख ना आए, अगर दुख आए तो उसको इतनी ताकत दे, इतनी शक्ति दे, इतना धैर्य दे कि वो उसे सह पाए। बस आज की वीडियो में इतना ही, राधे राधे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत बहुत